दोस्तों एक सूचना अभी अभी मिली है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर परीक्षाओं के शेड्यूल में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हमारा चैनल प्रोवाइड करवाएगा, उसकी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है, उस लेटर में भंवर सिंह जो भाटी जी हैं उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, आपको मैं समझाऊंगा लिख के, ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, इसमें आपको घबराना नहीं है किसी प्रकार से, ठीक है, ये आपसे जुड़ी ही खबर है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य रखना है। मनुष्य का काम क्या है, कर्म करता चल, फल की इच्छा मत कर बिल्कुल भी, और हम मनुष्य हैं, हमारा काम क्या है, कर्म करते चलने का। तो देखिए जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो बार वी, ध्यान से सुनना, आपके ही काम की चीज है ये, बारहवीं के बाद जितनी भी परीक्षाएं लगती है, ठीक है, जो कि स्नातक, ठीक, किसमें, स्नातक में, अर्थात बैचलर, बैचलर डिग्री दे रही है, बैचलर में जो प्रवेश लेते हैं, स्नातक परीक्षाओं में जो प्रवेश लेते हैं, अब स्नातक परीक्षा जो कोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपके देखो बीए, ठीक है, बीएससी, ठीक, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, समस्त कोर्स, बीएससी ऑनर्स मैथ बायो, ठीक है, और भी इसके अलावा कई कोर्स चलते हैं, ठीक है, बीएससी के अंदर भी बहुत सारे कोर्स हैं एग्रीकल्चर के भी, है ना, तो आप इसको यहां से भी समझ सकते हो, या फिर आपको मैं एग्जामों के नाम लिख के दिखाता हूं, वहां से आप समझ सकते हो, एग्जाम के नामों से समझना आप कि कई जो एग्जाम है बैचलर डिग्री में जो एडमिशन देती है स्नातक के लिए, उन एग्जाम में सबसे पहला नाम आता है आपके, आपके ही मैं लेवल के लिए बता रहा हूं, जैसे जेड, ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम कौन सी है, और आपकी है यहां से बीएसटीसी, ठीक है, आपके बीएससी बीएड, बीएससी प्लस बीएड, है ना, तो ये जो परीक्षाएं हैं मुख्य तौर से, ये परीक्षाएं जो होती हैं ये कब लगती हैं, बारहवीं के बाद, बारहवीं के बाद स्नातक के लिए लगने वाली परीक्षाएं, जिनकी तिथि, जिसमें जेड की तिथि थी 7 जून, क्या थी, 7 जून, बीएससी बीएड की थी 20 मई, अभी बीएसटीसी के अभी फॉर्म चालू नहीं है, इसके फॉर्म अभी चालू हुए नहीं है, तो जिनकी परीक्षाएं 31 मई या मई जून में थी, उन सभी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो कब होगा, वो होगा 15 जून के बाद, कब होगा, 15 जून के बाद। तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है ये, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, इसको आप ध्यान में रखना, और अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सर कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो बैच है आगे बढ़ेगा, डेट कब आएगी, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जेट की एग्जाम कब लगेगी, जेट की, ठीक है, आपके आईसीआर की, ठीक, आपके बीएचयू की, इन सभी में जो जेट की परीक्षा है, ये स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी निर्णय लिया है, लेटर जारी किया है, और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्टेट लेवल की अर्थात राज्य स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं का आयोजन जो कि बारहवीं के बाद होनी है, अर्थात जिनमें बारहवीं के बाद प्रवेश होता है, प्रवेश परीक्षा कौन सी है, प्रवेश परीक्षा, एक सेकंड में इसमें शायद डालता हूं बेटा, थोड़ा इंक कम हो गई, तो काम की चीज ही अगर हमें नहीं दिखेगी तो फिर क्या मतलब है ना, इसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे थे कि ये सूचना हमें मिल जाए,
और वो सूचना आते ही देखो इंक भी, इंक ने भी जवाब दे दिया कि भाई अब तो आपको इंक डालनी पड़ेगी इसमें, तो कोई बात नहीं, हम तत्पर है मेहनत करने के लिए, हम इंक डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, सारी सुविधाएं हैं बेटे, घबराना नहीं है बिल्कुल, बस टेंशन फ्री रहना है। देखो कि राजस्थान सरकार ने, मैं दोबारा इसको समझाता हूं आपको, जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, कौन सी प्रवेश परीक्षाएं, जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं जो है, ठीक है, जो जिनमें जो प्रवेश होता है कब होता है, 12वीं के बाद, कब होता है 12वीं के बाद, वे सभी प्रवेश परीक्षाएं जिनमें प्रवेश 12वीं के बाद होता है, उन सभी एग्जामों को क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, स्थगित किया जाता है, अर्थात उन पर रोक लगा दी जाती है, उन पर रोक लगा दी गई है। रोक लगा दी है उन सभी एग्जामों पर, क्यों, क्योंकि अभी एक कोरोना वायरस 19 है ना, इसका पूरा नाम है CO यानी कोरोना, वी यानी वायरस, वी यानी वायरस और डी यानी डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि ये 2019 में लगातार चालू हुआ था इसलिए 2019, तो कोरोना वायरस 19 जो है इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, कोरोना वायरस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे सभी प्रवेश परीक्षाएं जो 12वीं के बाद लगती है उन सभी को तत्काल स्थगित किया जाता है, तत्काल उन सभी को तत्काल रूप से स्थगित किया जाता है, तत्काल तुरंत स्थगित किया जाता है, अर्थात उन सभी पे तत्काल रूप से रोक लगा दी है। और अब इन परीक्षाओं का आयोजन कब होगा, इन परीक्षाओं का जो आयोजन है वो होगा 15 जून के बाद, कब होगा 15 जून के बाद, ठीक है। अब 12वीं के बाद कौन सी परीक्षा लगती है, इसमें 12वीं के बाद जो परीक्षा लगती है इसमें आपको मतलब किसी से रखना है, जेड से, कि हमारे 12वीं के बाद परीक्षा की लगती है वो कौन सी लगती है, जेड। तो भाइयों बहनों ये जो परीक्षा है वो 15 जून के बाद ही लगेगी, डरना नहीं है। अब 15 जून के बाद ये कब लगती है, 20 जून को लगती है, 30 जून को लगती है या जुलाई में लगती है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए कि ये जो परीक्षा है जेड की, ये परीक्षा जुलाई से पहले किसी भी सूरत में नहीं लगने वाली, जुलाई से पहले किसी भी सूरत में नहीं लगने वाली, क्यों, क्योंकि 15 जून तक तो पूरा लॉकडाउन है, पूरा भारत बंद है, सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, बच्चों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बच्चे कब पढ़ेंगे, इसलिए 15 जून के बाद तो लॉकडाउन खुलेगा, 15 जून के बाद तो लॉकडाउन खुलेगा। तो 15 जून के बाद कम से कम आपको 45 से और 60 दिन का समय देना उनके लिए अनिवार्य है, 45 से 60 दिन का समय देना क्या है, अनिवार्य है। तो 15 जून से अगर हम 60 दिन जोड़ते हैं तो 15 जून से 15 जुलाई एक महीना, और 15 जुलाई से 15 अगस्त एक महीना। तो आपको मैंने क्या बुलाया कि जुलाई से पहले जेड की परीक्षा लगना क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत करिए, आपके पास बहुत समय पड़ा है, अब हम आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, स्लो स्पीड से पढ़ाएंगे बिल्कुल, और एक एक चीज को लाइन टू लाइन क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को
लाइन टू लाइन क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब तक आपकी क्लासें नहीं लगती, अर्थात 15 जून किसने दिया है? राज्य सरकार ने। चूंकि हमारा जो संस्थान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके नियम कायदों पे चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय दिया है कि 15 जून तक जितनी भी परीक्षाएं लगनी है, 12वीं के बाद की समस्त परीक्षाएं, इसके अलावा जो विद्यार्थी अभी स्नातक में हैं, अर्थात कॉलेज में हैं, जिसमें स्नातक प्रोग्राम, स्नातकोत्तर, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, ग्रेजुएशन और पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, या और एक लास्ट होता है डॉक्टरेट, पीएचडी, ठीक है, इनमें से कोई से भी कोर्स कर रहा हो, किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहा हो, कॉलेज की अगर पढ़ाई कर रहा है, किसकी, कॉलेज की अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उन सभी कॉलेज की परीक्षाओं को तत्काल रूप से स्थगित किया जाता है, रोका जाता है। अब ये परीक्षाएं कब लगेंगी? ये सभी परीक्षाएं बेटे हो लगेंगी 15 जून के बाद। अब डरना नहीं है और निश्चिंत होकर सोना है और टेंशन फ्री होके पढ़ना है। क्लियर? इंफॉर्मेशन यही थी कि आपकी परीक्षा क्यों हो गई है, तत्काल रूप से स्थगित हो गई है, और वो कब लगेगी? वो लगेगी 15 जून के बाद। दिमाग में एक ही होना चाहिए, कब लगेगी? 15 जून के बाद ये परीक्षाएं लगेगी। आपको 15 जून तक क्या करना है? हमारा जो चैनल है उस पे बने रहना है और रेगुलर क्लासें लेनी है। आपका हम लास्ट समय तक साथ निभाएंगे, अंत समय तक आपका साथ देंगे। चाहे आप हमारे पास कोचिंग करो या ना करो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये निस्वार्थ भावना के तहत चलाई गई कोचिंग है। इसमें किसी प्रकार का मुनाफा या किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार की हानि की हम उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करते। हम उपेक्षा करते हैं समाज सेवा की। हम उद्देश्य हमारा यही है संस्था का कि जितना हो सके हम बच्चों की मदद करें, कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों की मदद करें, और कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के हित में ही ये देखा जाए तो निर्णय लिया गया है। क्यों? क्योंकि पुराने निर्देशों के अनुसार आपकी पहली जो एग्जाम थी वो कब थी? 26 अप्रैल की। कब थी? 26 अप्रैल की। उसके बाद इस डेट को चेंज किया, एक्सटेंड किया, उसके बाद इसको कर दिया कब? 7 जून, ठीक है। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस ने अभी दस्तक दे दी है और कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, इस महामारी को देखते हुए सभी राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पंजाब ने, उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने, ठीक है, केरल ने, सभी ने जो लॉकडाउन है उसकी तिथि को 15 अप्रैल से बढ़ा करके, उस तिथि को 15 अप्रैल से बढ़ा करके कब तक कर दिया उसको? 15 अप्रैल से 31 मई तक कर दिया है उसको, 31 मई तक कर दिया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया है कि 31 मई तक हमारा लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा, 31 मई तक हमारा लॉकडाउन रहेगा, लेकिन जो परीक्षाएं लगेंगी वो 12वीं की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, जिनमें जेट, आईसीआर, जेट, तो स्टेट लेवल की, जिसमें जेट, बीएसटीसी, बीएससी बीएड, ठीक है, और भी कई परीक्षाएं हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दिलाती है 12वीं के बाद कॉलेजों में, उन सभी परीक्षाओं में एडमिशन कब होगा? उनकी परीक्षा कब लगेगी? 15 जून के बाद। क्लियर? आपकी परीक्षा कब होगी जेट की? 15 जून के बाद। ये निर्णय किसने लिया है? राज्य सरकार ने। और इसको सभी क्षेत्रों भेज दिया गया है, और जितना हो जल्दी हमारे पास इसका मेल भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से हम अटैच है, तो लीगली हमारे पास इसका लेटर आ जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और इस पे आपको टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करनी है। तो अब टेंशन हो गई दूर, अब हमको पर्याप्त समय मिलेगा, जब भी एग्जाम लगेगी कम से कम आपको 45 दिन का समय तो मिलेगा ही मिलेगा, अर्थात जुलाई गई।
अब आपको टेंशन नहीं लेना, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस करिए और रेगुलर बने रहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपकी परीक्षा खत्म हो गई 19 मार्च को। कब हो गई? 19 मार्च को आपकी परीक्षा खत्म हो गई। अब आप देखो 19 मार्च से और 15 जून तक कितने दिन आते हैं, 19 मार्च से 19 अप्रैल, 19 मई और 19 जून, लगभग 3 महीने। कितने महीने? 3 महीने जो विद्यार्थी घर पे बैठेंगे उन 3 महीनों में, अर्थात उन 90 दिनों में आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे। आप और विद्यार्थियों से 90 दिन क्या हो जाओगे? आगे हो जाओगे और विद्यार्थियों से। तो ये सूचना आपको कल के अखबार में मिल जाएगी, तो आप निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री होके बढ़िया रोटी खाओ, छाछ वाच पी के बढ़िया सो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ना है। और सिलेबस लाइन टू लाइन हम पूरा कॉपी करवाएंगे आपको, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th 12th की आपको रट लेनी है, घोट के पी लेनी है। एग्रीकल्चर की गारंटी मेरे पे छोड़ो, जब तक मैं हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके एग्रीकल्चर में एक भी क्वेश्चन गलत करवा दे। ये मेरा खुद का आत्मविश्वास है। आप अगर मेरे साथ बने रहे, आपने मेरा सहयोग दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि एग्रीकल्चर में आपका एक भी क्वेश्चन नेगेटिव करवा दे। केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको पढ़ाई करनी है और जल्द ही, अब हमें समय मिल गया पर्याप्त, अब हम जल्द ही आपके लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासों का आयोजन जल्द ही हम आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएंगे। तो ये आज की सूचना थी, अभी करंट लेटेस्ट अपडेट आपको दिया है, तो उम्मीद करता हूं आप इससे खुश हुए होंगे। और निश्चित होकर पढ़िए बच्चों, ईमानदारी से पढ़िए बच्चों, जो समय आपको मिल रहा है, क्या पता कोई तकदीर ऐसी है, हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं। नहीं देखो, अब तक ऐसा हुआ नहीं इतिहास में कि इतना समय मिल गया हो, कई एग्जाम पोस्टपोन हो गई हो, लगभग एग्जाम अब तक तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम बढ़ रही है, एग्जाम डेट बढ़ रही है, आपको बार बार समय मिल रहा है, आप उस समय का फायदा उठाइए। उस लंबी रेस में आप कछुए की चाल से चलिए, आप खरगोश की चाल से चलोगे ना तो खरगोश तो हमेशा हारता ही है, आप कछुए की चाल से चलिए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब बीमारी बड़ी होती है ना, जितनी बड़ी बीमारी होती है उसका इलाज उतना ही स्लो होता है, जितनी अच्छी दवा होती है उसकी जो दवा लेने की अवधि होती है उतनी ही लंबी होती है, जितनी अच्छी पढ़ाई होती है उतनी अच्छी पढ़ाई के लिए पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है वो उतना ही स्लो होता है। तो आपको घबराना नहीं है, निश्चिंत होकर पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, अब कल हम आपके सामने फिर पेश होंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप हमें अलविदा दीजिए, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। और अब आपको डरना नहीं है, और अब ईमानदारी से और जी जान से मेहनत करनी है कि हमें और समय मिल गया, अब हम और जी जान से मेहनत करेंगे। और दिमाग में ये रखना है कि हमारी परीक्षा जो है वो जुलाई से पहले तो किसी भी हालत में होने वाली नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपके सामने पेश होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।